हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आपने फर्स्ट पार्ट में यह जाली वाली कैप बुन ली होगी और अब हम इसके बैक का मफरल बनाएंगे। यह दोनों साइडें 34-34 फंदों की और पीछे का वह डिज़ाइन फेस में यह गोल कैप। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। एक साइड के सीधे फंदों से, जिधर आपका धागा है आप सीधे फंदों की बुनाई स्टार्ट कीजिए। यह आप सीधी ही सिलाई बुनेंगे। जो आपके 34 फंदे हैं, जिधर आपका ऊन था उधर से आप यह 34 फंदे सीधे बुनिए। आपने कम ज़्यादा किए हो आप वो कर सकते हैं। यह आप धागा यहीं छोड़ दीजिए। ये बीच का फेस जहाँ से कैप है और यह धागा आप यहीं छोड़ देंगे। आइए अब हम चलते हैं दूसरी साइड। दूसरी साइड के जो फंदे हैं, ध्यान दीजिए, दूसरी साइड के ये जो फंदे हैं आप इन्हें एक गले की सिलाई पर उतार लीजिए। धीरे धीरे कीजिए, सिर्फ यह एक टर्निंग पॉइंट है। आप आराम से समझिए इसको। कैप को प्रॉपर सामने ऐसे फैला लीजिएगा। बीच में उसकी फेस वाला हिस्सा है, राइट को आपने सीधे फंदों से बुना है और लेफ्ट वाले फंदों को आपने ये दो मुंह की सिलाई पॉइंटेड सिलाई में उतार लिया। ठीक है, ये आपके दोनों साइड के फंदे हो गए। अब आप इसको ऐसे दोनों तरफ से पकड़िए, ये राइट साइड है ना, ऐसे टर्न कीजिए। यह लीजिए, ये सामने कैप हो गई, ठीक, और ये बैक में मफरल। जिस साइड से आपने सीधे फंदे बुने थे उन्हीं फंदों को अब आप उल्टा बुनेंगे। इन्हीं फंदों को आपने उल्टा बुनना है, जो अभी आपने सीधे बुने थे आप उनको पर्ल वाला ही बुनाई कीजिए। बुनते जाइए, बुन लिए आपने, ठीक है। और यह जो फंदे उतारे थे, एक बार ऐसे सीधा करके देख लीजिए कि एक ही साइड आने चाहिए। अब आप इन्हें इसी सिलाई में उल्टा बुनेंगे। ये अब एक ही सिलाई में बुनाई कर लेंगे। जिससे भी आप बुनाई कर रहे हैं, 10 नंबर से, 9 नंबर से, अब ये उसी में आप बुनाई करना स्टार्ट कीजिए। ये फंदा थोड़ा टाइट बुनिएगा, उल्टा फंदा ही बुनिए, बाकी के फंदों को इन्हें पूरा उल्टा बुनिए। इस तरीके से आपने दोनों साइडों को एक ही सिलाई में ले लिया। आने वाली सिलाई पर हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका एक ही सिलाई में। अब आप बैक से मफरल स्टार्ट कीजिए। ये फ्रंट जाली कैप, इसको हम बाद में सिलाई करेंगे। डिज़ाइन स्टार्ट करिए, पहला फंदा उतारिए, उस सीधे फंदे की बुनाई की तरह ऊन से दो बार घुमाइए और सीधे फंदे की तरह बुनिए। फिर से दो बार घुमाइए ऊन को, सीधे फंदे की तरह बुनिए, दो बार घुमाइए, सीधे फंदे की तरह बुनिए, दो बार घुमाइए, सीधे फंदे की तरह बुनिए। एक ही फंदे में से आपने दो बार घुमाकर एक फंदा बुनना है। यह जाली का डिजाइन है। एक ही फंदे में से दो बार घुमाकर सीधे फंदे की तरह बुनिए। इस तरीके से फिर से दो बार घुमाइए, बुनाई कीजिए, दो बार घुमाइए, बुनाई कीजिए, दो बार घुमाइए, एक बार और सीधा फंदा बुनिए। इस तरीके से आपको यह दिखना चाहिए। यह अगर ठीक नहीं लग रहा, इसको निकालिए, वापस सिलाई में करिए और फिर से दो बार घुमाइए और सीधा फंदा ही बुनिए। आपने सीधे फंदे की तरह बुनना है, लेकिन एक बार ना करके धागे को दो बार बल देना है। एक बार और सीधा फंदा बुनिए। इस तरीके से आपको दो दो फंदे दिखाई देंगे, होगा वो आपका एक ही फंदा। बल दीजिए, सीधा फंदा बुनिए, बल दीजिए,
सीधा फंदा बुनिए, दो बार बल दीजिए, सीधा फंदा बुनिए, दो बार बल दीजिए, सीधा फंदा बुनिए, दो बार बल दीजिए, सीधा फंदा बुनिए, दो बार बल दीजिए, सीधा फंदा बुनिए, दो बार बल दीजिए, सीधा फंदा बुनिए। ऐसे करते हुए आप फर्स्ट रॉ को कंप्लीट कीजिए। बहुत पेशेंस के साथ, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने टर्न करने में ध्यान देना है। कैप को सामने आराम से बिछाइएगा और बैक के मफरल को एक ही सिलाई पर चढ़ा लीजिए। यहाँ तक इसको कंप्लीट कीजिए। आ गए हम रॉन्ग साइड। दो फंदों को खोलिए और पीछे का फंदा पहले बुनिए और आगे का फंदा बाद में बुनिए। इधर से भी सीधे फंदे की तरह बुनाई कीजिए, बुन लीजिए। ये देखिए, ये दो दिख रहे थे ना, इनको आप खोल दीजिए। दो फंदे खोलिए, पीछे का फंदा पहले बुनिए, आगे का फंदा बाद में बुनिए। फिर से दो फंदे खोलिए और दो में से पीछे का फंदा पहले बुनिए, आगे का फंदा बाद में बुनिए। अब हम रॉन्ग साइड से जाली बुन रहे हैं। दो फंदे खोल लिए हमने, पीछे का फंदा पहले बुना और आगे का फंदा बाद में बुना। बुन रॉन्ग साइड से रहे हैं, लेकिन बुनाई हम सीधे फंदे की तरह ही कर रहे हैं। दोनों फंदे खोलकर पीछे के फंदे को पहले बुन रहे हैं और आगे के फंदे को हम बाद में बुनेंगे। थोड़ा लूज कीजिए और सीधे फंदे की तरह बुनिए। यह देखिए, आइए फिर से दो फंदे खोलेंगे सिलाई पर करके, उसके पीछे का फंदा पहले बुनेंगे और आगे का फंदा बाद में बुनेंगे। फिर से दो फंदे खोलिए, पीछे का फंदा पहले बुनिए, आराम से लीजिए और आगे का फंदा बाद में। फंदे खोलिए, इन्हीं खोले हुए फंदों से आपकी जाली की लुक आएगी। पीछे का पहले, आगे का बाद में, सीधे फंदे की बुनाई। दो फंदे खोलिए, पीछे का फंदा पहले बुनिए और आगे का फंदा बाद में बुनिएगा। लूज कर लीजिए और फिर उसको बुनिए। दो फंदे खोलिए, सिलाई पर चढ़ाइए, पीछे का फंदा पहले बुनिए, आगे का फंदा बाद में बुनिए। दोनों फंदे लूज कीजिए, पीछे का फंदा पहले बुनिए, आगे का फंदा बाद में बुनिए। दो बार फिर खोलिए, फंदा बुनिए और दूसरा फंदा भी बुनिए। यह देखिए, आपका एक एक फंदा, और यह दो दिख रहे हैं, लेकिन आप इन्हें खोल खोल कर बुनाई को आगे बढ़ाएंगे। दो फंदे खोलेंगे, पीछे का फंदा पहले बुनेंगे और आगे का फंदा बाद में बुनेंगे। फिर दो फंदे खोलिए, यह रॉन्ग साइड से आप दोनों फंदों को खोल रहे हैं। पीछे का फंदा पहले बुन रहे हैं और आगे का फंदा बाद में बुन रहे हैं। यह वही फंदे हैं जिसे आपने सीधी साइड से दो बार बल देके एक सीधे फंदे पर बनाया था। आपकी यह साइड कंप्लीट। आ गए हम राइट साइड। एक बार आप जाली बुन चुके हैं, आइए दूसरी बार डालते हैं। पहला फंदा उतारेंगे और सीधे फंदे की तरह ही सिलाई करेंगे और धागे को दो बार बल देंगे और सीधे फंदा बुनेंगे। दो बार धागे को घुमाकर सीधे फंदे में ही बुनेंगे। दो बार घुमाएंगे, सीधा फंदा बुनेंगे। दो बार घुमाएंगे फंदे को,
और सीधा फंदा बुनेंगे। फंदे में से सिलाई निकाल कर दो बार घुमाकर फंदा बुनेंगे, दो बार घुमाएंगे फंदा बुनेंगे, दो बार घुमाएंगे सीधा 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 फंदा बुनेंगे, दो बार घुमाएंगे धागे को सीधा फंदा बुनेंगे, दो बार धागे को घुमाएंगे सीधा फंदा बुनेंगे। इस तरीके से देखिए आपकी छोटी छोटी हार्ट की शेप की, रोज की लीव्स जैसी, गुलाब की पत्ती की जैसी सुंदर जालियां बनकर तैयार हैं। फिर से दो बार धागे को बल दीजिए, सीधा फंदा बुनिए, दो बार धागे को बल दीजिए, सीधा फंदा बुनिए, दो बार धागे को बल दीजिए। सीधी तरफ से हम दो बार धागे को बल दे रहे हैं और सीधा फंदा बुन रहे हैं, उल्टी तरफ से हम बुन सीधा ही रहे हैं लेकिन उन दोनों फंदों को खोल रहे हैं, दो फंदों को हम एक साथ खोल रहे हैं जो देखने में चार दिख रहे हैं लेकिन वह दो फंदे हैं। राइट साइड से हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे और रॉन्ग साइड से जाली को खोलना स्टार्ट करेंगे। फिर से वही, पीछे का फंदा पहले, आगे का बाद में, दो फंदे खोलेंगे, पीछे के फंदे को पहले बुनेंगे और आगे के फंदे को हम बाद में बुनेंगे। दो फंदे खोलेंगे, यह हम रॉन्ग साइड से कर रहे हैं, पीछे का फंदा पहले बुनेंगे, आगे का फंदा बाद में बुनेंगे। यही जो क्रॉस होता है दो फंदों का, यही जाली बनाता है, गुलाब के पत्ती की तरह आपकी जाली दिखाई दे रही है। दो फंदे खोलिए और पीछे का फंदा पहले बुनिए, आगे के फंदे को बाद में बुनिएगा। थोड़ा पेशेंस के साथ इस सुंदर से स्कार्फ को बनाइएगा, टर्निंग पॉइंट का ध्यान रखिएगा। दो फंदे खोलकर पीछे का पहले बुना, आगे का फंदा बाद में बुना। दो फंदे खोलिए, पीछे के फंदे को पहले बुनिए, आगे के फंदे को बाद में बुनिए। फंदे खोलते जाइए और एक एक करके बुनते जाइए। दो फंदे खोलिए, पीछे का फंदा पहले बुनिए, आगे का फंदा बाद में बुनिएगा। दो फंदे खोलिए, पीछे का फंदा पहले बुनिए, आगे का फंदा बाद में बुनिएगा और ऐसे ही इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। यह देखिए अब आपको ये जाली समझ आने लग गई होगी। अब दो बार और डाल के आपके साथ शेयर करूंगी। यह देखिए हमने चार बार इस जाली को डाल लिया है, अब आपको और अच्छे से यह दिखाई दे रही है। आइए एक बार और बुनते हैं आपके साथ। पहला फंदा उतारिए और सीधा फंदा बुनते हुए दो बार धागे को बल दीजिए और उसी के बीच में से निकालिए। दो बार धागे को बल दीजिए, निकालिए, दो बार बल दीजिए, फंदे में से निकालिए, दो बार बल दीजिए, सीधा फंदा बुनिए, दो बार बल दीजिए, सीधा फंदा बुनिए, दो बार बल दीजिए, सीधा फंदा बुनिए। ऐसे करते जाइए और सिलाई को कंप्लीट करेंगे। बल देंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, दो बार बल देंगे, सीधा फंदा बुनेंगे। दो बार बल दीजिए, सीधा फंदा बुनिए, बल दीजिए, सीधा फंदा बुनिए। कैप विद स्कार्फ, न्यू स्टाइल। यह लीजिए, आइए रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड से वैसे ही हम एक फंदा उतार के धागा पीछे करेंगे और दो फंदों को खोलेंगे और पीछे का फंदा पहले बुनेंगे, आगे का फंदा बाद में बुनेंगे। दो फंदे खोलेंगे, पीछे का फंदा पहले बुनेंगे,
आगे का फंदा हम बाद में बुनेंगे। अब स्कार्फ में इस सुंदर सी जाली को डालेंगे, जो कि छोटे छोटे हार्ट भी दिख रहे हैं और गुलाब की पत्ती की तरह इसकी शेप है। आप जैसे देखना चाहें, आपको आपकी ये स्कार्फ की डिजाइन वैसा ही दिखाई देगा जैसा आप बुन रहे हैं। जो आप इमेजिन करेंगे आपको अपनी बुनाई में वो दिखने लग जाएगा। करते जाइए, दोनों फंदे खोलिए, पीछे का फंदा पहले बुनिए, आगे का फंदा बाद में बुनिए। दो फंदे खोलिए, पीछे का फंदा पहले बुनिए, आगे का बाद में। इस तरीके से आप जाली डालेंगे। यह देखिए, ये अब हमने पांचवी बार डाल रहे हैं। आपने इसे 5-5.5 इंच तक बुनाई करनी है। जैसे ये आपने फैला के देख लिया, आपको इसका बैक अप दिखने लग गया, आप इसकी लंबाई बढ़ाना चाहें अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद उल्टी सिलाइयाँ, जैसे ये हमने फेस पर 3 की हैं, हम बैक में 5 बुनेंगे। यहाँ तक हम 5-5.5 इंच तक जाली और फिर उल्टी सिलाइयाँ 5 बुनेंगे। यह हमारी कंप्लीट हो गई है। चलिए आइए अब आपके सामने एक बार इसको नाप लेते हैं। नापने के लिए ये 5 सिलाइयाँ उल्टी हो गई और ये ऊपर की हमारी जाली है। जाली आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ये हमारी 5.5 इंच जाली का डिज़ाइन है, फिर उल्टी सिलाइयाँ हैं और अब हम ये बैक बीच के गैप को सुई से सिलेंगे। दोनों साइडों से एक तो यह तरीका है, आप एक एक फंदा लीजिए धागे में ऐसे नॉट लगा के और एक फंदा एक साइड से और एक फंदा दूसरी साइड से ऐसे लीजिए, एक फंदा और दूसरी साइड से एक एक फंदा। आप ऐसे भी बुन सकते हैं और यह है दूसरा स्टाइल, गोलाई में सिर्फ घुमाते जाइए, दोनों साइडों को ऐसे पकड़िए और यहाँ तक ऐसे गोल गोल करते जाइए। बनाने में दोनों आसान हैं, सफाई से बंद होते हैं, टांका बस पास पास लीजिएगा। यह लीजिए, आप टॉप तक आ गए हैं। अगर आप चाहें तो इस गैप को खुला रख सकते हैं, बेबी की चोटी इससे बाहर निकाल सकते हैं, ये भी एक स्टाइल है और 2-3 टांकों से इसे छोटा भी कर सकते हैं। यह देखिए, ऐसे छोटा भी कर सकते हैं। आपके इधर से अब इसकी लैस बनाएंगे, बांधने के लिए तनी बनाएंगे। यह जो उल्टे फंदे हैं, 3-4 फंदे इधर से उठाएंगे हम और बाकी के पीछे स्कार्फ वाला हिस्सा जो है जाली का उसमें से उठाएंगे 2। यह 3-4, ये लगभग सेंटर हो गया। अब 3 फंदे अब हम स्कार्फ वाली साइड से यहां से 5 ये बीच में से लीजिए, एक और फंदा 6, 2, 4, 6 एक फंदा और बनाइए, ये हो गए हमारे 7 फंदे। हमने अब फेस पर स्कार्फ बांधने के लिए ये 7 फंदों की पट्टी बनाने के लिए हमने फंदे उठाए जो इस तरीके से बुनाई करेंगे। यह देखिए, एक साइड की बना ली है हमने और ये दूसरी साइड से आपको फंदे उठाकर बताए हैं। आप ऐसे बुनिए, जितनी आपने उधर लंबाई की है उतनी ही आप इधर बुनेंगे उल्टे उल्टे फंदों की। चलिए यह पट्टी स्टार्ट करते हैं। सिलाई को घुमाइए, पहला फंदा उतारिए और उल्टे फंदों की बुनाई शुरू कीजिए। जैसी आपने वह एक साइड पट्टी देखी है, ऐसी आप अब यह दूसरी साइड पट्टी बनाएं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई डाउट हो
तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर इजीली इसको क्लियर कर सकते हैं। बस आपने कैप को जब हम फोल्ड करके स्कार्फ स्टार्ट करते हैं उस समय ध्यान से सामने स्कार्फ को बिछाना है और फिर उसकी स्कार्फ की जाली वाली बुनाई स्टार्ट करनी है। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। थैंक यू।